बारीकी से काम किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये रख दिया गया और इसको पीट पीट कर पहले लंबा किया जा रहा है, अपने शेप में लाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, अब इसको चक्री को चलाया जाएगा डंडे के माध्यम से। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे रेस होगा ये, ठीक है। अब देखिए, आपने देखा होगा लेकिन ये कुछ अलग है। ये देखिए ये बन गया है, दूसरा है। ये देखिए वाओ वाओ, ये देखिए दोस्तों, ये सबकी बस की बात नहीं है इसको चलाना। ये चक्री बहुत मतलब पावरफुल और बहुत ही इसको डिसिप्लिन से चलाया जाता है, वरना आप घा ही हो सकते हैं, यानी आपको चोट भी लग सकता है। और ये देखिए सब हाथ का कमाल है दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप हाथ फेरेंगे वैसे नक्शे में यहाँ पे मिट्टी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए किस तरह से पकड़ना है, क्या पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, कहाँ हाथ लगाना है, यहाँ पे देखिए इनको पता है। और ये बोल रहे हैं कि हम 12 साल के थे ना तब से, मतलब 12 साल के हैं थे ये तब से, कलकत्ता में जाके मिट्टी का काम कर रहे थे और यहाँ पे इन्होंने आके बहुत ही अच्छे से काम करना सीख लिया था। तो लगभग इनका उम्र हो गया है 60 साल, ठीक है। तो ये 60 साल के उम्र में भी अभी काम कर रहे हैं, तो इनका लगभग हमको लग रहा है कि 40 साल से ये काम कर रहे हैं मिट्टी का। 40 साल में दोस्तों कितना एक्सपीरियंस होगा आप खुद ही समझ सकते हैं, ठीक है, 40 या 50 साल। और ये देखिए ये बना रहे हैं, तार इसमें निकलता है, तार निकालने वाला लबनी है, ठीक है। ये देखिए कैसे ये बना रहे हैं, कैसा इसका शेप दे रहे हैं, ये इन्होंने ही देखा, आपने देखा। और ये देखिए कितना मस्त, मतलब दोस्तों मिट्टी का काम बहुत ही अनोखा होता है, बहुत ही नाजुक होता है। मिट्टी को जैसे आप ढालोगे वैसे ये ढल जाएगा, जैसे एक छोटे बच्चे का परिवर्श किया जाता है, मतलब पालन किया जाता है, वैसे ही इसको जैसे आप करोगे ना वैसे ही एकदम निकल के आएगा, ठीक है। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखते ही देखते दोस्तों ये अलग एक शेप में बदल गया। और इसको बोलते हैं लवनी, जिसमें तार निकाला जाता है, जैसे खजूर का वगैरह तरकुल का, तो इसमें तार निकाला जाता है, ये वही है। इनको ऑर्डर मिला है लगभग 5 से 7 हज़ार पीस का ऑर्डर मिला है, तो वही ये बना रहे हैं। और काफ़ी मेहनत भी लगता है, मिट्टी को कैसे कैसे साना जाता है, उसको सींचा जाता है, रॉड निकाला जाता है, फिर कंकड़ निकाला जाता है और उसको 2 दिन भिगोना पड़ता है, फिर इसको मिट्टी को सान के छोड़ा जाता है, तब जाके ये मिट्टी अपने शेप में आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से ये काम कर रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं ना आप किस तरह से ये बन के शेप इसका रेडी हो चुका है। और ये देखिए हाथ का सारा कमाल है, जैसे जैसे आप उंगलियां फेरेंगे वैसे वैसे ये नक्शा बनता जाएगा। और इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है अपने 40-45 साल में, इन्होंने बहुत ही मेहनत करके सीखा है और बहुत ही उंगलियां फेरी हैं इन्होंने। तो जैसे कि इन्होंने हमको बताया, मैं वही बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको काटने के लिए बस धागे का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए धागा से इन्होंने काट दिया, अब इसको ये पकड़ के हाथ से बनाया जा रहा है। अच्छा, कोई कंपनी नहीं है ये, कोई फैक्ट्री नहीं है, बस इसको हाथ पे डिजाइन देना है। अभी इसको देखिए धागे से काट दिए हैं और इसको ले जाएंगे। वाह, धागा से काट दिया और उठा लिए। और ये देखिए बन के पहले से रेडी है, यहाँ पर रखा गया है और ये भी रखा हुआ है, ठीक है। और दोस्तों ये देखिए इनका काम है कि ये जो काट के लेके गए हैं वहाँ से, ये देखिए कैसे इसको चिपकाया जाता है दोस्तों, पीट पीट के इसको बस चिपका दिया जाता है। और आप देख सकते हैं कि लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे इसका शेप बनाया जाता है, बंद किया जाता है, ठीक है। ये देखिए मिट्टी का आकार जैसे ही आप बदल लेंगे, हाथ फेरेंगे, जैसे उंगलियाँ फेरेंगे वैसे ही ये बदलता जाएगा। और ये देखिए इन्होंने कला में बहुत माहिर हैं और बहुत ही महारथी हैं। ये देखिए ये मिट्टी का, हम लोग दोस्तों करेंगे ना तो ये टूट जाएगा, लेकिन इनका अनुभव और इनका भी एक्सपीरियंस तकरीबन वही है 40 से 45 साल का, ठीक है। तो इनका देखिए ये चिपका के, जैसे ये पास में दिख रहा है ना रखा हुआ, वैसे ही एकदम बन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने वो काम कर रहा है, लगभग लगभग आधा काम कर ही दिए हैं इन्होंने। और ये देखिए अंदर से दिख रहा है आपको, काफ़ी बन के रेडी हो चुका है। और थोड़ा सा इनको एक कुटनी है, ये देखिए कुटनी, इसी से कूट देंगे। देखिए कूटना अब शुरू करेंगे, ये अभी तो चिपक ही गया है, कूटेंगे ना तो एकदम कंप्लीट होकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों लगभग ये भी कूट के रेडी कर दिए हैं। हाँ देखिए रेडी हो गया है, अब इसको देखिए निकालेंगी तो आपको दिखाऊंगा कि कैसा है। ये देखिए
देख रहे हैं ना आप, एकदम वैसे हो गया जैसे ये पास में रखा हुआ है और एकदम मस्त हो गया। दोस्तों इसको देखिए, रिपेयर करने में कोई वो नहीं है, बस मिट्टी लगा के हाथ में चिपका दो, हो गया रिपेयर एकदम कंप्लीट। और ये फाइनली एकदम मस्त हो गया, अच्छा हो गया, वाह देख रहे हैं ना कितना मस्त हो गया, एकदम सेम हो गया है। और दोस्तों ये देखिए, पहले से भी कुछ बर्तन बना के रखा गया है और इसमें वो किया जाता है, इसमें ढक के पकाया जाता है। यहाँ पे देखिए पकाने के लिए सूख के रख गया है और ये पकाने के लिए रखा जा रहा है। इसमें इसमें आग लगाया जाता है, पहले एक तरफ इकट्ठा किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता है और फिर इसमें लकड़ी गोइठा वगैरह डाल डाल के और इसमें फिर से कैसे कैसे पता नहीं करते हैं और इसमें आग लगाएंगे तो एकदम मतलब एकदम पका हुआ निकलेगा। मैं पका हुआ भी आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये देखिए कैसे सजाया जा रहा है, ऐसे ही सजाया जाएगा बारी बारी से और इसके ऊपर भी रखा जाएगा, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा हर वो चीज़ जो आपको ये पूरा पका हुआ देखने को मिलेगा। ये देखिए ठीक है, यहाँ रखा हुआ है, ये भी उसमें डाला जाएगा और ये पक के एकदम वैसे ही लाल हो जाएगा। मिट्टी का बर्तन है दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए फाइनली, ये देख सकते हैं आप कितना यहाँ पे बना के रखा हुआ है दोस्तों। ये देखिए कच्चा और पक्का सारा भी यहाँ पे असेंबल करके रखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ढेर लगा हुआ है इसको बना के। वाह, हमको देख के तो दोस्तों हम पागल ही हो गए, इतना रखा हुआ है, इतना बना बना के। ये देखिए जो आपको मैं बता रहा था वो देखिए कितना टाल किया गया है, वाह इतना बन के रेडी है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये बना के यहाँ पे रेडी किया हुआ है, अब यही सामान हमको ले जाना है घर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ क्या रखा हुआ है, यहाँ से सारा सामान निकलेगा और जाएगा हमारे घर गाड़ी से लोड होके। यहाँ पे देखिए बहुत सारा रखा हुआ है पका के और यहाँ से हम ले जाएंगे, पका हुआ सिर्फ सामान लेके जाना है। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों, और ये देखिए हमारा सामान अब निकलना शुरू हो गया, वाह। ये हमको निकाल के दे रही हैं हमारी आंटी जी हैं और यहाँ से हम लेकर जाएंगे और गाड़ी में लोड करेंगे और फिर लेकर जाएंगे घर। ये देखिए यहाँ पे सारा हमारा सामान निकलने लगा और ऐसे ही निकाल निकाल के हमको देंगी और हम लोग एक एक पीस उठा के लेके जाएंगे घर। ये देखिए ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये टूटा वूटा नहीं ना है, मतलब टूटा टूटा भी चेक करने का तरीका ये देखिए बता रही हैं, कैसे बजता है तो टूटा नहीं है और कैसे क्या होता है सबका अलग अलग तरीका है। ये देखिए ये बता रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं, देखिए टनटना रहा है ना तो ये सही है और जब फूटा रहेगा तो उसका आवाज़ दूसरा ही आएगा। इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए अब हम लोग फाइनली लेके जा रहे हैं अपने गाड़ी में लोडिंग करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सारा सामान बारी बारी से आ रहा है और दो लोग यहाँ पे देखिए बहुत ही मेहनत से लेके आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए इकट्ठा हुआ है, अब ये गाड़ी हमारी है इसी में लोड होगा। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे पेटारी वगैरह वगैरह सब रखे हैं ताकि हमारा बर्तन टूटे फूटे ना। और यहाँ पे देखिए गाड़ी में हम पकड़ा रहे हैं, वाह। यहाँ पे अब सामान लोड होगा और हम यहाँ पे पूरे गाड़ी को लोड करेंगे। जय हिंद जय भारत। तो चलिए लोड करते हैं एकदम आराम से। तो दोस्तों ये देखिए इन्होंने ऊपर चढ़ के बैठ गया है मिट्टी के बर्तन के ऊपर और हमको तो दोस्तों डरे लगने लगा कि मेरा बर्तन सारा टूट जाएगा आज, लेकिन इन्होंने कहा कि घबराओ मत, ये इतना कमज़ोर नहीं है, जैसे सोना लोहा होता है वैसे भी ये मिट्टी है, टूटेगा नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बारी बारी से सामान पकड़ाता गया और वो पकड़ पकड़ के रखते गए और हमारे दिल में दहशत बैठा था कि टूटे ना। तो दोस्तों फाइनली हमने ले लिया है और निकल चुके हैं घर के लिए। अभी हम लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर हैं दूर और घर जाएंगे तो सामान उतारेंगे तो आपको दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों चलते हैं, बाय। तो दोस्तों ये देखिए ये है हमारे भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।
तो दोस्तों फाइनली हमारी गाड़ी लोड हो चुकी है और ये देखिए हम कच्चे सड़क से होते हुए निकल चुके हैं अपने घर के लिए। और ये देखिए आपको मैं इलाका दिखा दे रहा हूँ, गेहूँ पक गया है, अभी टाइम है पकने में, और इधर खेती होती सब मतलब कुछ कुछ पैदावार हो रहा है और कुछ ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा सीन है। और ये देखिए दोस्तों, आपने बकुले नहीं देखा होगा, ये देखिए बकुले, वाह देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, वाह ये देखिए वाह। तो दोस्तों ये देखिए, ये हैं हमारे ड्राइवर अंकल जी, हरिंदर अंकल जी, ठीक है, ये गाड़ी चला रहे हैं, बहुत स्लो गाड़ी चला रहे हैं, 10-15 की स्पीड में, क्योंकि कच्चा माल इसमें लोड है ना, इसलिए। तो दोस्तों फाइनली गाड़ी आ चुकी है हमारे घर पे और ये देखिए सामान उतरना शुरू हो गया है, लगभग खाली भी हो गया है, थोड़ा सा बस बच गया है 2-4-10 पीस, तो इसको हम लोग लेके जा रहे हैं घर और ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप सब ने देखा कि हमारे वीडियो में बहुत ही मतलब मैं कठिन परिश्रम करके आपको सारा वीडियो दिखाया, ले जाने से लेकर आने तक और फिर मैं घर ले जा रहा हूँ, ये बहुत ही मुशक्क़त के बाद कितना मेहनत किया हूँ मैं। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे ब्लॉग में बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए और हमें अपना प्यार दुलार दोस्तों देते रहिए। तो दोस्तों देखिए फाइनली हम घर आ चुके हैं और हमारा सारा सामान घर पे आ ही गया है लगभग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब लोग मिल के सारा सामान उतार रहे हैं, ये हमारी मम्मी भी है यहाँ पे और हम लोग सारा सामान उतार लिए हैं फाइनली। दोस्तों हमारे वीडियो पे बने रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए और अपना प्यार और अपना स्नेह हम पे बनाए रखिए। दोस्तों ऐसे ही हम आपके साथ अलग अलग ब्लॉग बना के लाते रहेंगे और आपको अपना सारा वीडियो दिखाते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।